हाँ बेटा इसका जो पहला पार्ट है वो आपके साथ मैंने डिस्कस किया वो टॉपिक क्या था बेटा दैट इज अबाउट इंटेग्रेशन यानी उसमें आपको मैंने बताया इंटेग्रेशन क्या होती है मैंने आपको बताया बेटा एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं यानी मैंने आपको बताया कि इंटेग्रेशन इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसीशन फिर मैंने आपको एक और पॉइंट ये भी बताया कि ये जो इंटेग्रेशन है इसकी जो सिंबल है बेटा यानी लाइक दिस इसको हम क्या पढ़ते हैं इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना तो फिर मैंने आपको बताया कि यानी लेटर से इट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस क्या है बेटा प्लस ए सी तो इस सी को हम क्या कहते हैं इससे कहते हैं हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन ये जो जी एक्स है यह जी एक्स बेटा यानी जब आपने इंटेग्रेशन की इसको क्या है कहते हैं इससे कहते हैं हम इंटेग्रल और इससे क्या कहते हैं बेटा साइन ऑफ इंटेग्रेशन और यह बेटा क्या है दिस इज इंटेग्रेन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो अब जो टॉपिक है मेरा वो तो बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है बेटा वो है बेटा लिस्ट ऑफ यानी सम स्टैंडर्ड इंटेग्रल जैसे कि आपके साथ मैंने डिस्कस किया कल को यानी डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन में सम स्टेंडार्ड डेरिवेटिव्स इसी तरह बेटा यहां क्या हम डिस्कस करेंगे या हम डिस्कस करेंगे स्टेंडॉर्ड इंटीग्रल्स यानी या कहेंगे बेटा सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाए बेटा यहां आपको मैं समझाऊंगी यानी आई विल रिपीट दिस पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू टू एक्स यानी बेटा मैंने आपको बताया था डिफरनसेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटरग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस इंटरग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरनसेशन नाउ ये जो टू एक्स है दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो बेटा ये जो एक्स स्क्स एक्स का क्या है ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या है. यानी कोई इंटरग्रेशन व इंटरग्रल ऑफ टू एक्स डेट इज एक्स स्क्स बेटा क्या लेना है प्लस लेना है सी तो कहाँ से हम बेटा स्टार्ट करेंगे देखिए आप यानी जो लेक्चर है मेरा वो लेक्चर क्या है मैंने आपको बेटा बताया लेक्चर है मेरा यानी स्टंडार्ड इंटेग्रल्स या कहेंगे कुछ लविंग इंटेग्रल्स भी कहेंगे हाँ हाँ बेटा मगर दीज आर इंपॉर्टेंट सबसे पहला जो पॉइंट बेटा आपको मैं पढ़ाऊं वो क्या है बेटा वो है इंटेग्रल ऑफ एक्स रेस्ट पावर एन डी एक्स जैसे कि मैंने अभी आपको बेटा बताया हाँ आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा d डी बाई सा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स तो इस साइन एक्स कॉस एक्स का क्या है एंटी डेरिवेटिव तो बेटा फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट रिजल्ट या फर्स्ट इंटेग्रल यानी फर्स्ट फार्मूला भी कह सकते हैं वो क्या है बेटा इंटेग्रल ऑफ या इंटेग्रेशन ऑफ रेज़ फॉर एन डी एक्स वो किसके बराबर होता है बेटा रेज़ फॉर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन बट कीप इन माइंड देयर इज अ कंडीशन मेरा कंडीशन क्या है एन शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन कीप इन माइंड हाँ मेरा फिर हम एग्जाम्पल पर बात करेंगे मगर यहाँ जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया वो क्या पढ़ाया कि इंटेग्रल ऑफ एक्स रेस्ड पावर एन डी एक्स यानी पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वो किसके बराबर है डेट इज इक्वल टू एक्सरेस्ड पॉवर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन बट एन शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन क्यों अगर ये एन किसके बराबर होगा बेटा यानी माइनस वन के बराबर तो आपको खुद समझना है कि वेन दिस बिकम्स माइनस वन इट बिकम्स माइनस वन प्लस वन इट बिकम्स यानी अनडिफाइनड या इनडिटरमिनेट फॉर ये तो बेटा रहा यानी पहला इंटीग्रल दूसरा यानी जो कि इसमें हमें पढ़ना है दूसरी फार्मूला वो क्या है बेटा वन मोर पॉइंट आपको पता होगा वन अपॉन एक्स डी एक्स हाँ बेटा किसकी डिफ्रेंसिएशन है लॉग एक्स की यानी आपने सुना होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वो किसके बराबर होती है वन अपॉन एक्स कीप इन माइंड यानी डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स वो किसके बराबर होता है बेटा वन अपॉन एक्स तो हम यहां यह भी कहेंगे कि वन अपॉन एक्स का जो बेटा इंटेग्रल है दैट इज इक्वल टू एल एन एक्स या कहेंगे बेटा लॉग लॉग मगर हमेशा याद रखना mod एक्स कीप इन माइंड बट कीप इन माइंड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ये कंडीशन वगैरह जो है ना ये आप लोगों ने पढ़ा होगा हाँ बेटा पॉइंट नंबर थ्री वो क्या है इंटरग्रेशन ऑफ या इंटरग्रल ऑफ ए रेज पॉवर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वो किसके बराबर है आप लोगों ने पढ़ा होगा वट इज़ यानी डिफ्रेंसीशन ऑफ ए रेज पॉवर एक्स वो किसके बराबर होता है बेटा ए रेज पॉवर एक्स है ना ए रेज पावर एक्स लॉग ए मगर जब मैं बेटा बात करूंगा किसकी बात करूंगा यानी

ए शुड नॉट बी इक्वल टू वन और ए जो बेटा है वो क्या होना चाहिए वो होना चाहिए बेटा ग्रेटर देन जीरो हाँ बेटा यानी मैंने आपको बताया कि इंटेग्रेशन ऑफ एक्सरेज पावर एन या इंटेग्रल ऑफ एक्सरेज पावर एन वो किसके बराबर होता है एक्सरेज पॉवर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन बट कीप इन माइंड एन शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन इसी तरह बेटा मैंने आपको बताया कि इंटरग्रेशन ऑफ अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग मगर मार ये तो जरूरी आपको बेटा लेना है इसी तरह इज द इंटेग्रेशन ऑफ ए रेस्ट विध रेस्पेक्ट दैट इज इक्वल टू ए रेस्ट पॉल एक्स अपॉन लॉग ए हाँ बेटा वन मोर पॉइंट यानी एक और फार्मूला है बेटा वो क्या है बेटा यानी फार्मूला नंबर फोर वो क्या बेटा इंटग्रेशन ऑफ ई रेस्ड पावर एक्स ये तो आपने सुना ही बेटा होगा यानी इसकी डिफ्रेंसीशन भी यानी सेम ही है जो फंक्शन है वही इसकी यानी बेटा डिफ्रेंसीशन है ये जो बेटा इसकी जब इंटग्रेशन आप लोगे वो क्या बेटा ई रेज पावर एक्स बेटा मैं भूल ही गया सी यानी प्लस सी प्लस सी और क्या बेटा प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगर बेटा मैं नहीं लिखूंगा बट यू हैव टू राइट यानी ये बेटा आपको जरूरी लिखना है हाँ बेटा आई विल रिपीट दीज आर सम स्टैंडर्ड या मैंने बताया आपको बेटा इनको आप लविंग इंटेग्रल्स भी कह सकते हैं मैंने बताया इंटेग्रेशन ऑफ एक्सड फॉर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेट इज इक्वल टू एक्सड फॉर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटरग्रेशन बट देर एक्स शुड नॉट बी टू माइनस वन इसी तरह यह जो वन अपॉन एक्स है यह किस फंक्शन की डिफ्रेंसियन है यह तो बेटा लॉग एक्स की डिफरेंसिएशन है तो हम क्या कहेंगे इंटरग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स विध रेस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग और क्या बेटा आएगा मोड एक्स हा मेरा कंशन जो है वो तो आपको बेटा जरूरी याद होने चाहिए इसी तरह इंटेग्रेशन ऑफ ए रेज पावर एक्स डी एक्स वो किसके बराबर है ए रेस्ड पावर एक्स अपॉन लॉग ए इसी तरह इंटेग्रल ऑफ ई रेज पावर एक्स एक रेस्ट पावर एक्स प्लस सी यानी कॉन्स्टेंट ऑफ इंट्रेशन बेटा हाँ, कितने आए चार तो आए वन मोर वन मोर बेटा हाँ बेटा वन मोर यानी फिफ्थ इंटीग्रल हम क्या लेंगे बेटा इसके बाद बेटा क्या लेंगे देखिए अब हाँ बेटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कीप इन माइंड दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस क्या आएगा बेटा प्लस आएगा सी क्यों आपको पता होना चाहिए यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स बेटा ये जो माइनस साइन एक्स है ना ये क्या है दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ

और क्या बेटा यानी नंबर यानी फॉर्मूला नंबर सेवन वो क्या बेटा यानी आपको बेटा पता होने चाहिए ये जो सेक्स एकस, तो हम क्या कहेंगे टेन एक्स जो है वो तो है डेरिवेटिव और प्रेमेटिव और इंटीग्रल ऑफ में बेटा क्या आएगा प्लस में आएगा सी इसी तरह बेटा वन मोर इंटेग्रल वो क्या लेंगे बेटा इंटेग्रेशन ऑफ स्क्वायर एक्स डी बेटा हम जानते हैं कि ये जो कोसेक्स स्क्वायर एक्स है ये किस फंक्शन किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन है ये तो बेटा है कोसेक एक्स हा है ना यानी हम क्या लिखेंगे इंटेग्रल ऑफ कोशे स्क्वायर एक्स विद्रेस कोशे स्क्वायर एक्स

ट एक्स का जो इंटेग्रल है बट बेटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स वो क्या है वो है माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस में बेटा क्या आएगा प्लस में आएगा बेटा सी हा बेटा नाउ वन मोर पॉइंट यानी एल ऑफ इंटेग्रेशन हा बेटा ये फार्मूलाई जो या ये जो इंटेग्रल कुछ आपके साथ में मैंने डिस्कस किए दीज आर इंपॉर्टेंट यानी जब आपको एक्सरसाइज पढ़नी है तो पहले आपको बेटा ये याद होना चाहिए वन मोर पॉइंट वन मोर पॉइंट बेटा आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल टू तो जीरो यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट मान लीजिए बेटा वन है दिस इज इक्वल टू तो क्या जीरो बट कीप इन माइंड व्हेन यू हैव टू डिटरमाइन द इंटेग्रल ऑफ के क्ट टू एक्स तो बेटा हम क्या करेंगे इसके को पहले बाहर करेंगे यहाँ पर क्या बच गया बेटा यहां बच गया वन यानी वेन यू हैव टू डिटरमाइन द इंटेग्रल ऑफ कॉन्स्टेंट तो पहले क्या करना है बेटा ये जो कॉन्स्टेंट है इसको यानी लिखना है यानी साइन ऑफ इंटेग्रेशन के बाहर फिर क्या बचेगा बेटा वन बट कीप माइंड इसका जो बेटा इंटेग्रल अब आएगा वो क्या आएगा वो आएगा के एक्स प्लस बेटा क्या आएगा प्लस आएगा सी प्लस क्या आएगा बेटा सी तो बेटा ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाए जो मैं जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए तो अब इन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे दूसरे लेक्चर में तब तक के लिए बेटा खुदा हाफिज़ ये बंद करो बेटा